गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे सफारी पे जा रहे हैं, जंगल सफारी पे। सर लेट्स सी क्या साइटिंग होती है, और जो भी साइटिंग होगी हम आपको अपडेट करेंगे। ये है मिस्टर तनवीर, हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड। ये है हमारी भाभी जी, भाभी भाभी वापस जा रहे हैं ये लोग वेस्ट बंगाल। तो आज कोशिश रहेगी हमको अच्छी सी सफारी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर अभी कॉल थी बड़ी लाउड, और सांबर डियर की कॉल थी, उतनी फ्रिक्वेंट तो नहीं थी, रुक रुक कर थी। सो हमने भी ट्राई किया कुछ दिख जाए, लेकिन वी वर नॉट लकी। सो आगे देखते हैं कैसी है। यू कैन सी द पग मार्क ना, यहाँ से होते हुए टाइगर से भी निकली है, और वी जस्ट मिस्ड एक्चुअली और फ्रेश पग मार्क है, क्योंकि पीछे बहुत सारी जीप हैं और आगे भी अभी कोई गाड़ी गई नहीं हुई है। गाड़ी के ऊपर बनाया एलिफेंट की मूवमेंट भी हुई है सर, पेड़ गिरा हुआ है। जंगल देखेंगे ना आप कितना डेंस है, मे का मंथ है और अभी भी इतनी ज़्यादा बुशेज है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है। सो इसलिए एनिमल साइटिंग कम है, और बहुत पास में भी टाइगर था और वो भी हमको नज़र नहीं आया। सो ये जो अंडरग्रोथ है इसका यही एक रीज़न भी है। आगे एक ग्रासलैंड आ रहा है दोस्तों, और ग्रासलैंड अच्छी जगह है। डरपोक कहते हैं, डरपोक बहुत है। ये जो डियर हमने देखा ना, इसके बारे में भैया बता रहे हैं, शंकर भैया है ना हमारे साथ, जो हमें यहाँ असिस्ट कर रहे हैं एज ए नेविगेटर सफारी में। तो शंकर जी, कुछ सबसे जो आपको अच्छी चीज़ गर्जिया जोन के बारे में लगती है, अगर आप वो बता सकें बहुत एक शॉर्ट में, इस जोन की क्या खासियत है? जंगल बहुत बढ़िया है, अच्छा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, तो हर गेस्ट में यही बोलते हैं कि आप जनरल एक्सपीरियंस करें। हाँ जी, और वाइल्ड लाइफ तो आपका बोनस होती है। वैसे भी नेशनल पार्क का जो है उनका वाइल्ड लाइफ सफारी नहीं है कि जनरल सफारी है। हाँ जी, जनरल एंजॉय करना चाहिए आप। देखिए कितनी अच्छी बात शंकर जी ने कही है कि आप एनिमल तो आपका बोनस है, आप जंगल देखने आइए, जो चीज़ दिख गई वो प्लस है उसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पर है, ये क्लॉ मार्किंग है टाइगर की, अपने नेल्स को शार्प करता रहता है ना टाइम टाइम पे वो, क्योंकि उसी से वो ग्रिप बनाता है डियर वगैरह को पकड़ने में। तो यहाँ पर कॉल चल रही है ना बार्किंग डियर की, और यही कॉल जो होते हैं वो सिग्नल होते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रेडेटर हो सकता है। तो लेट्स सी, पग मार्क जगह जगह मिल रहे हैं दोस्तों, और कॉल भी है, लेकिन देखते हैं लक हमारा कितना साथ देता है। सो बढ़ रहे हैं लगातार सफारी करते करते, आगे एक आध जगह कॉल मिली है। लेकिन सुमित भाई क्या कहेंगे, टाइगर दिखाओगे? हम पूरी उम्मीद में हैं कि हमें दिख जाए टाइगर। अच्छा, हमारी ये ट्रिप सफल हो जाए। अच्छा, खासकर जो हमारे मित्र हैं जो बाहर से आ रखे हैं, जो बाहर ही जा रहे हैं टेक्निकली, मिस्टर तनवीर मोंडल एंड मिस्टर लामी जी। हाँ जी, मिस्टर लामी जी, सॉरी मिस लामी जी, कोई बात नहीं। प्रदीप सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिखेगा? दिखे ना दिखे, जंगल में मजा आ रहा है। दिस इज द स्पीड। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, जंगल में मजा आ रहा है। मजा लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है फॉरेस्ट में। ऐसा ना हो कि आप अपने जो ड्राइवर भैया हो, जो आपके नेविगेटर गाइड साहब हों, उनको आप बॉदर करते रहे कि भैया टाइगर दिखाओ, टाइगर दिखाओ, एलिफेंट दिखाओ। अभी जो गाड़ियों ने, इन्होंने शायद टाइगर देखा है। कहाँ पे से गया? वो ऊपर गया पहाड़ी में। आप तो इधर से तो भाई ना,
सो अभी देखिए, सबसे पहले हमारी गाड़ी रुकी थी और हम जब आगे बढ़े तो दूसरी जगह से कॉल आई, लेकिन वापस आने तक यहाँ पर लोगों को टाइगर दिख गया। बहुत लाउड कॉल है ना आगे, बहुत लाउड कॉल है, तो सारी जीप मुड़ के उधर को जाने लगी है। लेट्स सी अगर उधर कुछ नजर आता है तो। द मेल ऑफ स्पॉटेड डियर, इसको देखेंगे ना, सींग है बड़े बड़े एंटलर्स, क्योंकि भाग रहा है लगातार, तो ये अलर्ट है और इधर से सेफ जोन में जाना चाह रहा है, क्योंकि उधर से कॉल आ रही है पीकॉक की, लंगूर की। दुम दबा के तो सामने टाइगर है, पीछे चले हम। हाँ चलो थोड़ा सा। सो आधे घंटे से ज्यादा एक पॉइंट पे वेट किया फ्रेंड्स, और टाइगर की साइटिंग भी हुई है। मैं ऑल्दो मेरे पास कैमरा नहीं था तो उतना साफ नहीं है, लेकिन स्टिल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ वी कैन से 100 मीटर्स हमने टाइगर देखा। देखिए पूरा गर्जिया जोन हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पर आपको एक बैरियर दिखेगा, जो कि ये बैरियर है सामने, ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ से आपका आगे बिजरानी जोन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि पहले गर्जिया और बिजरानी दोनों एक ही जोन हुआ करते थे, बाद में इन्होंने गर्जिया बिजरानी को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो इस पॉइंट से आगे बिजरानी जोन है और इधर गर्जिया जोन है, जो कि हम पूरा देख चुके हैं और टाइगर साइटिंग भी हमको हो चुकी है। होप वापस में अब दोबारा वहाँ पर रुकेंगे और टाइगर दोबारा से बाहर आए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उन्होंने उसको डिस्टर्ब कर दिया और टाइगर थोड़ा बुशेस के अंदर चला गया है। सो नाउ हम थोड़ा आगे इसीलिए गए कि थोड़ा रश कम हो और साइटिंग हो सके। सो दोस्तों अभी फाइनल पॉइंट तक जाके वापस आ रहे हैं, अभी हमारे पास एक घंटा और बचा हुआ है और सफारी यकीन मानिए बहुत अच्छी चल रही है स्टार्टिंग में। हाय यूट्यूबर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए कैसी चल रही है आपकी सफारी? चल रहा है बहुत बढ़िया था, आप यहाँ देख लिया, थैंक यू। आप तो वापस जा रहे हैं बेंगलोर, तो आप याद करेंगे हमको अपने टाइगर को? डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे, बहुत बढ़िया है। मेरा यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी ये है, मित्र हैं सुरक्षा अधिकारी, मेरा और एक मित्र है रंचर दास रंचो, तो हम लोग आएंगे इधर फिर। थैंक यू। चलिए देखिए, फन अपनी जगह है और सब एंजॉय कर रहे हैं जंगल में, एक्चुअली द थिंग इज, और यही चीज है कि हम मेन तो मजा आपके साथ आ रहा है, मेरे साथ वार्तालाप करके सीखने में, समझने में, वार्तालाप बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा है साथ में, सुमित ब्रो है। और अब हमने कसम खा ली है कि महीने में दो सफारी साथ में जरूर करेंगे, वैसे मैं तो करते रहता हूँ लेकिन अब इनके साथ। अरे यूट्यूबर, और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मेरा दोस्त शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, अगर नहीं जंगल में लड़की नहीं मिलती, शादी करने के लिए ढूंढ रहे हैं, शहर में जाओ शादी करने के लिए, शहर में जाओ। व्यूअर्स के लिए मैं ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, व्यूअर्स देखेगा तो ये मेरा मित्र है, एक गढ़वाली ब्राह्मण लड़की की तलाश है, सुयोग्य वर हमारे, प्लीज कमेंट कीजिए, बताओ आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको अच्छा लगा तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट में, देख लो इनके फीचर्स देख लो यार। चलिए जोक्स अपार्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सफारी जारी रखते हैं अपनी, और बहुत मजा आ रहा है। मतलब अभी जो हमारे साथ हैं अब्रार और शंकर जी, शंकर भैया लोकल हैं, कैरी गांव के हैं, और क्या मस्त इन्होंने हमको ब्रीफिंग दिया। ये जो गेस्ट है ना, इनको कल दिखेगा टाइगर, ये फॉरेस्ट के वॉचर्स है ना, सामने टाइगर भी सोया था एक जगह पे, और फिर भी ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, दे आर द रियल हीरोज जो फॉरेस्ट को सारी मॉनिटरिंग करते हैं। सो दोस्तों बहुत अच्छी सफारी रही, फाइनली वी आर कमिंग आउट फ्रॉम द जंगल। दोस्तों आ चुके हैं बाहर फाइनली, और हमको बहुत अच्छी सफारी रही मॉर्निंग की, टाइगर साइटिंग भी हुई, देयर वर 30 जीप्स, 30 गाड़ियाँ थी, उसमें से शायद मुश्किल से 3 या 4 गाड़ियों को दिखा, उसमें से वी वर द लकी वन, और हमने फिर और लोगों को भी बुलाया, 3-4 गाड़ियों में टाइगर फाइनली देखी। सो अभी स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट सफारी में मिलते हैं, और आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, सब टू यू, थैंक यू वेरी मच।